हेलो फ्रेंड, तो आज बनाने वाले हैं फ्रेंड जो हमारा पावर बैंक था जो पुराना और वर्क नहीं कर रहा था, तो उसी को आज हम सही करेंगे और उसको ओपन करके उसके जो सेल्स वगैरह हैं, पहले तो हम उसका जो पावर मॉड्यूल है उसको तो हम सेफ रख लेंगे और जो सेल्स वगैरह हैं जो ख़राब हो चुके हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए हम बने रहिए हमारे चैनल पर, जब तक हम आपको पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप सारा जो प्रोसेस हम करेंगे वो आपको हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए फ्रेंड हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, जो हमारे ओल्ड सेल थे उनमें वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो उनको हम हटा देते हैं और उनकी जगह पर जो हमने जो लैपटॉप से निकली हुई जो बैटरियां हैं उनको हम ले रहे हैं। तो फ्रेंड, इनके वोल्टेज हमने पहले ही इनको चार्ज करके रख लिया था और इनका वोल्टेज प्रॉपर है, तो इनको हम एक बंडल में बांध लेंगे तो मैं और फिर स्पॉट वेल्डिंग की हेल्प से इनको सबको आपस में पैरेलल में हम जोड़ देंगे। तो फ्रेंड, जब इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो ओवरऑल जो भी इसका वोल्टेज है वो हम चेक कर लेंगे और फिर इसके बाद हम जो हमारा मॉड्यूल है पावर वाला उसको हम चेक करने के लिए एक बार इसको आपस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हमारा पावर आ गया है, मतलब जो हमारा पावर मॉड्यूल है वो वर्क कर रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, हमारा जो पावर बैंक है वो वर्क करने लगा है, तो इसको हम फाइनल सोल्ड करके इसको जो इसका हाउसिंग है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपने देखा, इसमें पावर का जो इंडिकेटर है वो भी शो होने लगा है और जो इसका LED लगा था वो भी ग्लो कर रहा है। अब हम इसको जो इसका हाउसिंग है उसको पूरा कम्प्लीटली क्लोज करके अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हमारे जो ईयरबड है उनमें हम लगाएंगे, तो देखिए आप देख रहे हैं ये चार्ज होने लगा है फ्रेंड। अब नेक्स्ट हम इसको फ़ोन में लगाने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं कि सारे हमारे पोर्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारा ये वाला पोर्ट भी वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।